नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भोजपुरी नाव में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं निरहुआ और अमरपाली दुबे की अपकमिंग भोजपुरी पिक्चर के बारे में, जिसकी एक ऐसी एक्सक्लूसिव फुटेज हमारे हाथ लगी है दोस्तों, जो ये बयान करती है कि इस भोजपुरी मूवी का जो क्लाइमैक्स होने वाला है वो किस तरह से दिखने वाला है दोस्तों, और किस तरह का एक्शन आपको इस भोजपुरी मूवी में दिखने वाला है। आई मिलन की रात दोस्तों, जिसमें हमें ना सिर्फ निरहुआ और अमरपाली दुबे दिखने वाली हैं, बल्कि इसमें निरहुआ के अपोजिट दोस्तों उनकी लव इंटरेस्ट बतौर निभाते हुए हमें प्रियंका रेवड़ी भी दिखने वाली हैं, वो भी इस फुटेज में दिखाई दे रही हैं दोस्तों। इस फुटेज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हमारे चैनल भोजपुरी नाव को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे चैनल भोजपुरी नाव को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलिए अब बिना देर किए दिखाते हैं आपको वो फुटेज जो निकल कर सामने आई है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से आई मिलन की रात, जो कि नई भोजपुरी मूवी होने वाली है निरहुआ और अमरपाली दुबे की, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस भोजपुरी मूवी का क्लाइमैक्स सीन जो है वो शूट किया जा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो डायरेक्टर के एक्शन बोलने से पहले दोस्तों वहां पर जाकर लेट रहे, ताकि ऐसा लगे कि निरहुआ ने इन सारे गुंडों को मारकर गिराया। और आप देख सकते हैं यहां पर कि किस तरीके से निरहुआ जो है वो आगे खड़े हैं और उनके पीछे अमरपाली दुबे खड़ी है, और जैसे ही डायरेक्टर जो है वो एक्शन बोलते हैं तो निरहुआ जो है वो थोड़ा सा डगमगाने लगते हैं, थोड़ा सा हिलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अमरपाली दुबे जो हैं वो इसमें एक भूत का किरदार निभा रही हैं, जो कि उनके प्रेमी यानी कि जो निरहुआ जो उनके साथ पिछले जन्म प्रेम के बंधन में बंध गए थे दोस्तों, तो उसका बदला लेने के लिए वो निरहुआ की बॉडी को यूज़ कर रही हैं, जो कि वर्तमान वाला निरहुआ है, जो कि करता है प्यार प्रियंका रेवड़ी के किरदार से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब जो अमरपाली दुबे है उनकी आत्मा जब निरहुआ के बदन से उनके जिस्म से निकल जाती है दोस्तों, तो प्रियंका रेवड़ी किस तरह से उनको संभालती है। उसके बाद प्रियंका रेवड़ी और जो निरहुआ है वो दोनों अमरपाली दुबे की तरफ देखते हैं, उस आत्मा को देखते हैं। उसके बाद कुछ इन दोनों में बातचीत होती है। उसके बाद अमरपाली दुबे का जो किरदार है, जो कि इसमें शायद आत्मा का किरदार निभा रहा है दोस्तों इस सीन में, वो वहां से निकल जाता है। उसके बाद हमेशा की तरह जैसे कि वारदात के बाद ही जब पुलिस लेट से आती है दोस्तों, तो यहाँ भी दोस्तों पुलिस जो है वो बाद में आती है और यहाँ पर कुछ निरहुआ के साथ बातचीत करती है। तो बहरहाल दोस्तों इस फुटेज को देखकर यही इस लास्ट इस फिल्म की जो क्लाइमैक्स होने वाली है दोस्तों, शायद ये हो सकती है या ये नहीं हो सकती है, टोटल क्या कहानी है दोस्तों इस भोजपुरी मूवी की, वो अभी कुछ समझ नहीं आई है। पर इस फुटेज को देखकर दोस्तों अमूमन यही ख्याल आ रहा है, यही स्टोरी इस भोजपुरी मूवी के क्लाइमैक्स की हमें लग रही है। बहरहाल दोस्तों इस फुटेज पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल भोजपुरी नाव को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो हमारे चैनल भोजपुरी नाव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।